चैप्टर 5 दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। मांद में जहाँ लोमड़ी रहती थी उसका घर या झोपड़ी। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। गपशप मीन्स होता है बातचीत करना। तो बातचीत कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे और लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त मीन्स होता है कठोर खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। आसान मीन्स होता है सरल तरीका, मैंने उपाय बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो अजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तो किसकी बुद्धिमानी से कछुए की जान बची, बताओ किसकी बुद्धिमानी से कछुए की जान बची? लोमड़ी की बुद्धिमानी से, है ना।